जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जीएस यूट्यूब एकेडमी में आप सबको एक दफा फिर वेलकम किया जाता है। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बताने वाले हैं, इट्स टू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एंड यू कैन एज सी फॉर फ्रॉम द बोर्ड दैट चेयर पर्सन या चेयरमैन आए हैं जी सर जॉन्स रिवर ब्रुकफील्ड के अंदर। और हमारी आज वीडियो 24 है, जैसे कि चैप्टर 11 द लॉन्ग चैप्टर जिसका आज बिल्कुल इख्तिताम होने वाला है। और मिस्टर चिप्स नॉवल के बारे में आज आपको थोड़ा सा और गाइड करने वाला हूँ। और रॉल्स्टन एक ऐसा पर्सन था जो कि हम लास्ट टू वीडियोस थे, जैसे कि 23 और 22 वीडियो में हम देख रहे थे कि रॉल्स्टन चाह रहा था कि मैं मिस्टर चिप्स को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये इस ब्रुकफील्ड के अंदर बिल्कुल अपने पांव जमाए रखे, बिकॉज मैं चाहता हूं कि मेथोडोलॉजी जो पुरानी है उसको मैं बिल्कुल भी नहीं कैरी ऑन करूंगा। तो मिस्टर चिप्स कहते हैं ये मेथोडोलॉजी पुरानी नहीं है, हमें सिर्फ सर्टिफिकेट पर बिलीव नहीं करना चाहिए। तो फिर अंदर एक यू कैन से कि चेयरपर्सन जो कि चेयरमैन है सर जॉन रिवर्स, उनका ब्रुकफील्ड में ये कहते हैं इस्तकबाल किया जाता है बिकॉज वो सारा ब्रुकफील्ड को होल्ड करते हैं। और जैसे ही उनका एक दमदार एंट्री होती है उसके अंदर उन्होंने फिर कहा कि चिप्स तुम्हें किसी किस्म की परवाह नहीं करनी है, तुमने परेशान नहीं होना है, तुम पढ़ाओ, अगर तुम्हें वो कोई इशू करते हैं तो तुम उसे बताना कि तुम्हें मतलब यहाँ पर किसने होल्ड दिया है ये सब कुछ करने का। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भी 1908 में हुआ था, आई हैव नॉट रिटन दैट। 1908 में जैसे ही रॉल्स्टन ने इस पर प्रेशर डालना शुरू किया मिस्टर चिप्स पर, उसी वक्त थोड़े ही अरसे के बाद सर जॉन्स रिवर आते हैं और आकर कहते हैं यू डोंट हैव टू वरी, यू कीप गोइंग, यू आर डूइंग गुड वर्क, उसको हम देख लेंगे, आप अपना काम करें। सो लेट्स स्टार्ट एंड टुडे वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट पैराग्राफ 15-22, जस्ट रिमेंबर दैट ऑल्सो। लुकिंग बैक अपॉन द सीन इन द काम perspective of a quarter of a century, Chips could find it in his heart a feel little sorry for Ralston. अब ये देखें कि उस बंदे ने इतना बुरा करने की कोशिश की है मिस्टर चिप्स के साथ, लेकिन उस सब के बावजूद भी उसने अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर अपने दिल में रखा है रॉल्स्टन के लिए कि मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है जिस नजरिए से जिस तरीके से मैंने उससे बात की है तो मुझे बुरा लग रहा है, मुझे उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। Chips could find it in his heart to feel a little sorry for Ralston, particularly when, as it happened, Ralston had been in such a complete ignorance of the forces he was dealing with. क्योंकि वो बिल्कुल भी ला इल्म था, इग्नोरेंस, उसको पता नहीं था, जानता नहीं था कि वो किस कुवतों के साथ निपट रहा है, मतलब उनको झेल रहा है। तो जैसे कि मैं आपको बता, so for that matter had Chips himself neither had correctly estimated the toughness and Brookfield tradition and its readiness to defend itself and its defender, for it had so chanced that a small boy waiting to see Ralston that morning had been listening outside the door during the whole of the interview. He had been thrilled by it naturally and had told his friends. अच्छा, ये paragraph के अंदर एक board का question arise होता है कि पूरे ब्रुकफील्ड को कैसे पता चला कि रॉल्स्टन और मिस्टर चिप्स के दरमियान लड़ाई हुई। अब कैसे पता चलना था, जाहिर सी बात है एक स्टूडेंट था, वो ऑफिस में आना चाह रहा था, किसी ने उसको कहा कि आपको मिस्टर चिप्स ने बुलाया है, और वो वहां पर अभी रुकता ही है ऑफिस में, अंदर आना ही चाहता है, वो रॉल्स्टन का स्टडी रूम था, उसमें जैसे ही एंटर होने लगता है वो रुक जाता है, वो देखता है कि इन दोनों की आपस में बहस हो रही है, मिस्टर चिप्स और रॉल्स्टन आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं, मतलब फाइट कर रहे हैं। तो इस तरह वो सारी बात एज अ फायर ऑफ यू कैन से ash, ash जो थी वो एक स्पार्क होती है आग की, और वो सारे के सारे ब्रुकफील्ड में फैल जाती है। और वो सिर्फ एक छोटा स्टूडेंट, मतलब स्मॉल बॉय जिसको बताया गया है इस पैराग्राफ के अंदर, वो आता है और वो बिना जाने पहचाने वो बात कर देता है और सबको पता चल जाता है कि रॉल्स्टन और ब्रुकफील्ड सॉरी मिस्टर चिप्स की आपस में लड़ाई हो रही है। और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वहां पर सारे जितने भी यंगस्टर टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे, वो सब मिस्टर चिप्स के फेवर में बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। सम ऑफ दीज इन सरप्राइजिंगली शॉर्ट टाइम हैड टोल्ड देयर पेरेंट्स, सो दैट वेरी सून इट वाज कॉमन नॉलेज दैट रॉल्स्टन हैड इंसल्टेड चिप्स एंड हैड डिमांडेड हिज रेजिग्नेशन। तो आई हैव रिटन दैट कि अब जब जॉन रिवर्स अराइवल आते हैं ब्रुकफील्ड में, जब वो पहुंचते हैं तो वो उन्हें मोटिवेट करते हैं कि आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको हौसला दे रहा हूं, स्टॉपिंग हिम फ्रॉम रिजाइन, कि आप रिजाइन मत कीजिएगा, क्योंकि रॉल्स्टन
इंसल्ट कर रहा था चिप्स को और डिमांड कर रहा है अपनी रेजिग्नेशन को, मतलब कि मिस्टर चिप्स आप रिजाइन कर रहे हैं। तो इस पैराग्राफ में उसने ये एक्सप्लेन किया है। The amazing result was spontaneous outburst of sympathy and partisanship, such as Chips in his wildest dreams had never investigated. मतलब चिप्स जो है वो बिल्कुल भी वॉन्डर नहीं कर पा रहा था, वो बिल्कुल भी थिंक नहीं कर पा रहा था, वो सोच नहीं पा रहा था कि मेरे साथ भी, मतलब मेरी भी लक इतनी काम करेगी, लाइक मुझे भी ये लोग मेरे साथ इतना फेवर करेंगे, मुझे भी इतनी वोटिंग मिलेगी, मुझे भी लोग पसंद करते हैं, मतलब रॉल्सटन मुझे नहीं निकाल सकता और मुझे रिजाइन नहीं देना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि he found rather to his astonishment, उसे हैरान हुआ ये जानकर, रॉल्सन was thoroughly unpopular, क्योंकि लोगों में बिल्कुल भी वो मशहूर नहीं था, उसको लोग पसंद ही नहीं करते थे, तो मशहूर कैसे होगा। he was feared and respected but not liked in this issue, लोग उसको डर के मारे रिस्पेक्ट कर रहे थे, ना कि उस इस इशू की वजह से उस पर साथ दे रहे थे। To point where it conquered fear and demolished even respect. तो लोग जो हैं वो डर को भी फतह कर गए, मतलब कंकर करके संभाल गए, और उन्होंने यहां तक कि उसकी इज्जत भी बर्बाद कर दी, डिमोलिश कर दी। There was talk of having some kind of public riot in school if Rawson succeeded in banishing Chips. तो यहां पर एक रियॉट क्लियर हो गया, मतलब दे वर जस्ट सेइंग कि यहां पर अब एक इनकलाब आएगा मिस्टर चिप्स के लिए, कि यहां पर अगर उन्होंने रेजिग्नेशन मांगा गया तो हम इत्तेजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे कि आप काइंडली मत जाए, ये रॉल्सटन को जो भी ये कह रहा है इसको कहने दें। बैनिशिंग यहां पर है कि निकाल देना, अगर रॉल्सटन ने सक्सीड कर लिया, मतलब कामयाब हो गया, तो हम फिर एक रियॉट निकालेंगे, एक हंगामा करेंगे, और हंगामे से हम बताएंगे कि वी जस्ट नीड चिप्स हियर इन ब्रूकफील्ड, नॉट Ralston. The masters, many of them young men, I just have told you before in the last paragraph, ke unke saath sare masters bhi the, agreed that Chips was hopelessly old-fashioned, relied round him nevertheless because they hated Ralston's slave driving and saw in the cold veteran a likely champion. तो उन्होंने ये महसूस किया कि ये बिल्कुल सॉलिड इंसान है, मतलब ये ही हमारे स्कूल को एक एजुकेशन के तौर पर लेके चल सकता है, क्योंकि रॉल्सन फैक्ट्री बनाना चाह रहा था, एक रनिंग मशीन फैक्ट्री बनाना चाह रहा था जहां पर सिर्फ उसको पैसे मिले। And one day, the chairman of the governor, Sir John Rivers, visited Brookfield, ignored Ralston. फिर चेयरमैन सर जॉन्स रिवर्स ब्रूकफील्ड में आते हैं और इतनी बड़ी शख्सियत जो कि रॉल्सन अपने आप को समझ रहा था उसको इग्नोर कर देते हैं, दरगुजर करके चले जाते हैं, वो समझते ही कि कोई उसके सामने खड़ा हुआ है। एंड वेंट डायरेक्ट टू चिप्स, और वो सीधा चिप्स की तरफ जाती है। अ फाइन फेलो रिवर्स, चिप्स वुड से टेलिंग द स्टोरी टू मिसेस विकेट, क्योंकि वो मिसेस विकेट को ये सारी स्टोरी बता रहे हैं, तो वो कहते थे कि यार बहुत अच्छा इंसान था, नाइस फेलो था। Chips would say telling the story of Miss Wicket for the dozenth time, मतलब दर्जनों मर्तबा वो सर जॉन रिवर्स की तारीफ किया करते थे। Not a very brilliant boy in class, I remember he could never master his verbs and now I see in the papers they have made him a burnout, छोटा नवाब बना दिया है। It just shows you, मतलब वो अब एक इंटेलिजेंट बच्चा नहीं था लेकिन अब एक छोटा नवाब बन गया था। सर जॉन हैड सेड ऑन दैट मॉर्निंग 1908 को, जब रॉल्सन कह रहा था कि मैं छोड़ूंगा नहीं इसको और मैं इसको निकाल दूंगा, मैं इसकी ओल्ड मेथोडोलॉजी को पसंद नहीं करता, तो उसी वक्त टेकिंग चिप्स बाय द आर्म एज दे वॉक अराउंड, इस तरह उन्होंने अपने शोल्डर में उनको लेकर जाते हैं और बात करते हैं डिजर्टेड विरान क्रिकेट पिचेस पर, मतलब कोई भी नहीं था तो वो ग्राउंड में रोम कर रहे हैं, चल रहे हैं। चिप्स ओल्ड बॉय, आई हियर यू हैव बीन हैविंग द ड्यूस ऑफ अ रॉ, मुझे लग रहा है कि तुम्हें सख्त किस्म की लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है, ड्यूस यहाँ पर सख्त का है। With Ralston, sorry to hear about it. मुझे बहुत अफसोस है ये सुनकर, for your sake, but I want you to know that the governors are with you to a man. तो वो कह रहे थे कि तुमने टेंशन नहीं लेनी है, सारे के सारे जो ब्रूकफील्ड के गवर्नर्स हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, वो तुम्हारे साथ हैं, तुमने टेंशन नहीं किसी बात की लेनी, अगर कोई मसला होता है तो जस्ट लेट मी नो। We don't like the fellow, a great deal, very clever, वो बहुत चलाक है, and all that, और तमाम कुछ यही है, but a bit too clever, लेकिन वो तुमसे थोड़ा सा चलाक है। If you ask me, अगर तुम इसे पूछते हो, claims to have doubled the school endowment, उसने खराज जो है उसने बढ़ा दी है, डबल कर दी है, पेरेंट्स से वो खराज डबल लेने लग गया। और उसके आगे लिखा हुआ, funds by some monkeying, मतलब बेवकूफ
तरीके से उसने स्टॉक एक्सचेंज से उठाई है ये करार, एंड बट अ चैप लाइक दैट वांट्स वॉचिंग, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसको शख्स कोई ना कोई हमने उसके पीछे लगाया हुआ है, वो उसकी निगरानी कर रहा है. सो इफ ही स्टार्ट्स चेकिंग हिज वेट अबाउट विद यू, और अगर उसने अपने इख्तियारात का तजावुज बढ़ाया तुम पर, उसने ज्यादा रोक चलाने की कोशिश की, टेल हिम वेरी पोलाइटली, उसको बड़ी शाइस्तगी से बताना कि ही कैन गो टू द डेविल, कि वो भाड़ में जाए. गो टू द डेविल का मतलब यहाँ पर क्या है कि तुम जाओ भाई जहन्नुम में, तो मेरे साथ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते जब तक मुझे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यहाँ से निकालेंगे नहीं. द गवर्नर्स डोंट वॉन्ट यू टू रिजाइन, क्योंकि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तुम्हें नहीं चाहते, मिस्टर चिप्स को नहीं चाहते कि तुम यहाँ से रिजाइन करो, इस्तीफा दो. ब्रुकफील्ड वुडंट बी द सेम विदाउट यू एंड दे नो इट, और उन्हें पता है कि ब्रुकफील्ड तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से 1908 से लेकर, क्योंकि वो 1900 से लेकर अभी 1908 तक उनको 8 साल हुई है हेडशिप को, अब वो 1913 में रिटायरमेंट करेंगे, अभी 5 साल वो और कह रहे हैं कि काइंडली आप हमारे ब्रुकफील्ड को ऑन करें, मतलब हेडशिप अपनी कॉन्टिन्यू करें. तो ब्रुकफील्ड जानता है कि तुम उसको बहुत अच्छे से जानते हो और उसको अच्छा चलाओगे, वी ऑल नो इट, हम सब जानते हैं. यू कैन स्टे हियर टिल यू आर 100 इफ यू फील लाइक, तो तुम्हें ख्वाहिश है, अगर तुम पसंद करते हो कि यहाँ पर 100 साल की उम्र में भी रहो तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे. इंडीड इट्स आवर होप दैट यू विल, बल्कि हम उम्मीद करते हैं कि तुम इस ब्रुकफील्ड के अंदर रहो. एंड एट दैट बोथ देन एंड ऑफन व्हेन ही रिकाउंटेड इट आफ्टरवर्ड चिप्स ब्रोक डाउन, जज्बात की रूह में बहकर शुरू कर देना. तो वो बहुत इमोशनल हो गया कि वाओ बोर्ड ऑफ गवर्नर, मतलब जो कि चेयरपर्सन है, जो कि ब्रुकफील्ड के चेयरमैन है, वो आकर मुझे इतना मोटिवेट कर रहे हैं, तो हाउ कुड रॉल्सन कैन डिफीट मी. तो 1908 से 1913 तक भी मिस्टर चिप्स ही हेडशिप रहे, तो रॉल्सन अपने काम में और अपने मामलात में और इसको रेजिग्नेशन में बिल्कुल नाकाम रहा. सो दिस वॉज आर चैप्टर 11 एंड वी हैव वाइंडेड अप आर चैप्टर 11 टुडे, और ये पैराग्राफ 15 से 22 तक इसकी ट्रांसलेशन थी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो. अल्लाह हाफिज़.